टैक्स हो जाएगा, ठीक है। जी ऐसा भी हो सकता है, या कार्बन भी लगा सकती है, ठीक है। जी तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट, 3 हाइड्रोजन अगर रिप्लेस करते हैं तो, क्योंकि हैलोजन भी हाइड्रोजन की तरह है, मोनो वैलेंट टाइप का है, तो एक ही रिप्लेस होगा तो एक ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा, कि जी नहीं। जी सर तो 4 हाइड्रोजन हटा तो यहाँ पे टेट्रा क्लोराइड बन जाएगा, कि नहीं। जी सर यह मतलब कि हैलाइड कह सकती हैं क्योंकि एक्स लगा रहे हैं। तो इस तरह से इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े थे कि हेलोजन को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं इस चैप्टर में है। जैसे जी एक तो नंबर के बेस पे, जैसे मैंने ऊपर बता दिया नंबर ऑफ हेलोजन के बेस पे, मोनो जी डाई ट्राई वगैरह, कि नहीं। जी मोनो हैलाइड कह सकते हैं, डाई हैलाइड, ये सिमिलर क्लासिफिकेशन आपका कहाँ पे, अल्कोहल जी में, क्योंकि सेम एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ओ एच आ ओ जाएगा। एच जी सर और यहाँ पे ट्रा हैलाइड या पॉलीहैलाइड कह सकते हैं, जैसे हमने ऊपर अभी लिखा था एग्जांपल, जैसे CH3Cl हो गया, जी CH2Cl2 हो गया। जी और यहाँ पे बहुत फेमस है क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयडो ये ब्रोमो सब, ऑक्साइड जी सर ठीक है। और ये जी पायरेन कार्बन टेट्राक्लोराइड, बहुत दूसरा क्लासिफिकेशन सिमिलर देखा जाए तो ये भी अल्कोहल में है, और इसमें कहा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे है। जी हाइब्रिडाइजेशन SP3 मतलब sp3 कार्बन से अटैच अगर हैलोजन है, जी एक तो sp3 कार्बन से अटैच हैलोजन होगा, दूसरा क्या हो जाएगा sp2 SP से। टू sp3 वाले कौन कौन हो जाएंगे, जैसे हम लोग मोनो 1 डिग्री हैलाइड बांट सकते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह से। जैसे जी मान लीजिए मैंने CH2Cl लगा दिया इस तरह से, दूसरा क्या हो जाएगा कि CH3CH CH3 और Cl हो गया, जी मोनो हैलाइड, या एक्स कह सकते हैं या Br कह सकते हैं, जो भी यहाँ पे लगाना। इस जी तरह से ये सब क्लोराइड जो अटैच हैं, सब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है। ये भी sp3 हो गया, ये भी sp3 है, ठीक है, ये भी कार्बन sp3 है, कि नहीं। जी इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग एलाइलिक पढ़ते हैं, एलाइलिक हैलाइड बहुत जी इम्पोर्टेंट है, रेजोनेंस सेव करता है क्योंकि पाई पेयर इलेक्ट्रॉन आता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और ये Cl, या इसको क्या बोल दें, एलाइलिक क्लोराइड बोल सकते हैं, जी एलाइलिक क्लोराइड 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 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से देखा जाए तो बेंजाइलिक आ जाएगा, जैसा हम लोग पढ़े थे बेंजीन होता है, इसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं, ठीक। और इसके अलावा अगर हम लोग इस पे CH2 लगा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, जी बेंजाइलिक हो जाएगा, बेंजाइलिक। अगर इसमें बेंजाइलिक देखा जाए एक हाइड्रोजन और अगर रिप्लेस कर दिया CH, ये 2 वैकेंसी खाली हो जाए तो इसे हम लोग बेंजल बोलेंगे, ठीक ओके है। अगर इसमें 3ों वैकेंसी खाली हो जाए ऐसे तो इसे बेंजो बोलेंगे, जी ऐसे चेंज कर सकते हैं, इसको बेंजीन बोलते हैं नॉर्मली। तो जी सर यहाँ पे हमें बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले से अटैच है, जैसे बेंजाइलिक जस्ट लाइक एलाइलिक, तो हम जी लोग ऐसे कह सकते हैं CH2Cl, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक हो गया, जी सर क्लोराइड कह सकते। तो ये सिमिलर क्लासिफिकेशन आपका अल्कोहल में है, ठीक है। इसका जी अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए तो CnH2n+2। अब हम रिवीजन ही करा रहे हैं, ऐसे डिटेल में लिखा नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि आप जी तो पढ़ चुके हैं जी सर ना। आपका ये तो हम पूरा डिटेल में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। नहीं नहीं सर ऐसे तो रिवाज में तो ऐसे कर सकते हैं ना, अभी जी कन्वर्जन थोड़ा सा कर लेंगे। CH3CH2
सीएल इसको क्या बोलेंगे मिसल? सर डाइक्लोरो, सर डाइक्लोरो एल्केन, एल्केन तो है ही है, लेकिन उसको डाइक्लोरो आप मीथेन बोल सकती हो, तो आईपीएससी नेम हो गया, लेकिन जी इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, बिस्नल बोलती हो, बिस्नल डाइक्लोराइड नहीं, बिस्नल जी सर डाइक्लोराइड होता है, जेमिनल डाइक्लोराइड भी होता जी है, या जेम डाइक्लोराइड आजकल बोलते हैं शॉर्ट में, जब एक कार्बन पे टू ओ एच जी सी एल लगा या एक्स लगा रहा है, तो इसके हम लोग जेम जेमिनल या जेम डाई क्लोराइड बोल सकते जी हैं। लेकिन जेम डाई एल्कोहल नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनसेचुरेटेड हो जाएगा। जैसे जी हम लोग आगे रिएक्शन पढ़े थे कि एक कार्बन पे टू ओ एच आ रहा था तो क्या हो रहा था, अनसेचुरेटेड, जी सर तो ये अपने आप क्या हो जाता है, ऑटो डिहाइड्रेट हो जाता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, सी एच ओ बन जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसके बाद नेचर ऑफ सी एक्स बांड आता है चैप्टर में, आईपीएससी नेम तो लिख लेंगे आप कि नहीं, जी आईओपीएससी नेम सर कर लेंगे ना। जी तो नेचर ऑफ सी एक्स बांड, क्योंकि कार्बन और हेलोजन में काफी डिफरेंस होता है, किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंट बहुत ज्यादा होता है। जी सर डिफरेंट जी तो बॉन्ड वीकनेस बहुत ज्यादा होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होता है, जी सर इसलिए देखा जाए तो मोस्ट रिएक्टिव होगा। जी मोस्ट रिएक्टिव होगा, इसलिए हम लोग इस चैप्टर को क्या बोलते हैं, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड इजीली इससे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, टूल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके क्योंकि सारे कंपाउंड लगभग इससे आप प्रिपेयर कर सकती हो। ठीक ओके सर है ना, जी तो अगर देखा जाए रिड्यूसिंग ऑर्डर, अगर देखा जाए रिएक्टिविटी ऑर्डर या रिड्यूसिंग ऑर्डर की बात कर दिया जाए यहाँ पे, तो जी बहुत फेमस हमेशा आता है किसी भी पेपर में रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो आप हैलोजन रिएक्टिविटी ऑर्डर हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़े थे, जी या कह सकती हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन पोटेंशियल के हो सकता है, अरे जी सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन पोटेंशियल के हो जाएगा, लेकिन वो मेटल के लिए होगा, तो यहाँ पे जनरल लिखना ठीक नहीं है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, जैसे आप कहीं पे पर्टिकुलर देखे थे ऐसे मैंने बनाया था, तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है जी तो वो प्रॉपर्टी क्या होगी, कहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर मोर है तो जी उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो जी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बढ़ता है, जी सर ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ पावर बढ़ती कैसे, हाँ पावर कह सकते हैं, बढ़ता है और एसिडिक नेचर बढ़ता है। जी सर और अगर नीचे आती है तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ता है, जी रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा, ठीक है, जी ऑक्सीडेशन नंबर और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक नहीं, और बीच में बेचारे एम्फोटेरिक टेरिक बिहेवियर करेंगे, मिडिल करेंगे, अगर ये वाले इसके जी साथ हैं तो बेसिक नेचर हो जाएगा, ये वाले इसके साथ है नीचे वाले के तो एसिडिक नेचर हो एसिडिक जी सर जाएगा। तो यहाँ पे जैसा रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा देखा जाए, रिड्यूसिंग पावर किसमें, लिथियम में होता है, ठीक, तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टिविटी होना चाहिए था, एच एफ एच सी एल एच बी आर एच आई होना चाहिए रिएक्टिविटी, जी लेकिन होता क्या है, ये होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो, बहुत पीक होता है, तो हम लोग वहां पे ऑर्डर पढ़ेंगे, पढ़े थे सबसे ज्यादा क्या होगा, ये
चैन के जी डायरेक्टली पर, जो इजिली ये चैन देगा वो मोर रिएक्टिव होगा, मोर मोर स्टिक रिएक्टिव, होगा, जी। तो ये रिएक्टिव ऑर्डर होगा। तो इसी तरह से देखा जाए, अगर यहाँ पे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में देखा जाए, CH3F हो गया, CH3Cl हो गया, CH3Br हो जाएगा, और CH3I। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? CH3I। ऐसे पर्टिकुलर रिएक्शन CF AFCl, ठीक जी है, जी सर, Br और I, इसकी भी रिएक्टिव वही सेम होगी, ठीक है। जी। तो ये तो रिएक्टिविटी ऑर्डर है। यहाँ पे दूसरा डाइपोल मोमेंट का मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का कुछ आपको यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर जी मैं बता दे रहा हूँ, हाँ, प्रोडक्ट एक तो CH3F हो गया, CH3Cl हो गया, CH3Br हो गया, और CH3I हो गया। एक तो ये करना है, एक क्वेश्चन हो गया, ठीक। बी में ऑर्डर CH2Cl2 और यहाँ पे CHCl3 और CCl4 ले लिए, ठीक है। एक तो बस सी ले लेते हैं, ये मोस्टली आपके बुक में आता है, मतलब कि पेपर में। जी तो आप डाइपोल मोमेंट मैंने बताया था, ठीक है, सॉल्वेंट के साथ, तो वहां से आप निकाल के बताओ सबसे ज्यादा और सबसे कम किसका है, मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर डाइपोल मोमेंट पहले का क्या होगा। ये तीन सर, क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी CH3I, में है। CH3Cl, CH3Br। CH3F CH3I ये कैसे हो गया? ये तो गड़बड़ कर रही हैं आप, एकदम गलत बता रहे हैं, थोड़ा गलत बता दे चल जाता। CH3F तो अच्छा, डिक्रीज करना है। एक देखिए डायपोल मोमेंट ऐसे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक के आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा, ठीक जी है, इलेक्ट्रॉनिक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलता है, ठीक है। जी सर, और CH3Cl, CH3Cl है, फिर सर CH3I का नहीं समझ में आ रहा, फिर CH3F, फिर CH3Br। हाँ, तो CH3, अभी हमने बोला डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ठीक जी है। तो जी आप क्यों बता रहे हैं कि CH3, आप सही बताए हैं, आखिर आंसर तो सही है, जी लेकिन रीजन CH3Cl का क्यों ज्यादा है, ये मेरा सवाल है। सर CH3 किसका, सॉरी आवाज नहीं आ रही सर, किसका? आपने बताया कि ए आर्डर होगा शायद, अगर जी देखा जाए तो बेसिकली ए डिक्रीजिंग आर्डर इधर है, ए होगा, मतलब कि सबसे ज्यादा या तो ऊपर वाला आंसर होगा, ठीक है, या आपको ऐसे अरेंज कर देगा CH3MCQ में ज्यादा आता है, जी बी आर CH3I। अब ये जी डाइपोल मोमेंट का आर्डर हो गया, वही है हम लोग बात पढ़ते हैं, ठीक जी है, कि स्मॉलर साइज की वजह से, वही सर, ग्रुप में स्मॉलर सी एफ बॉन्ड देन लाइक स्मॉलर क्लोराइड। साइज होगा तो जी जी डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। हमेशा फ्लोरीन या फर्स्ट ग्रुप का कोई भी एलिमेंट रहेगा जो भी एनामलेस प्रॉपर्टी देगा, मेनली एनामलेस, अरे स्मॉलर साइज की वजह से, जी ठीक है। तब जी बताइए दूसरा, बताइए जल्दी बताइए। सर, CH2Cl2, CH3Cl3, CCl4।
इसमें देखा जाए तो सिमेट्री ज्यादा इसमें कैंसिल हो जाएगा, जी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ए हो गया, ए सी एल हो गया, ए सी एल हो गया, ए सी एल इधर कैंसिल हो जाएगा, इधर कैंसिल हो जाएगा, और इसके वजह से केवल डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, लेकिन अगर देखा जाए इस कंपेयर में एच जी एच तो सी एल सी एल, तो एच को हम लोग पढ़े थे इग्नोर कर देंगे, इधर रिजल्टेंट आ जाएगा तो ए हो गया डन, और जी इसका लास्ट का तो म्यू जीरो होगा, सारा कट जाएगा जी इसमें, बताइए। हाँ सर वन सेकेंड सर पैरा मेटा ऑर्थो पैरामीटर, ऑर्थो पैरा क्यों? देखिए सर मतलब लाइक क्यों देखिए डायपोल मोमेंट आप भूल गए, डायपोल मोमेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थीटा एंगल के होगा, क्योंकि कॉस थीटा के होता है ना, हम लोग पढ़े जी थे म्यू इक्वल टू म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा, यहाँ म्यू वन म्यू टू इक्वल है, तो कॉस थीटा जैसे बढ़ता है एंगल तो वैल्यू कम होता है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये तो एकदम जीरो हो गया, क्योंकि जी सिमेट्री की वजह से कैंसिल हो गया, तो ये डाइपोल डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, जी ठीक है। सर इंक्रीजिंग में लिखा है नहीं सर ये इंक्रीजिंग में लिखा है डिक्रीजिंग में लिखा है, जैसा मैंने एरो लगाया इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा ही हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ये होगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, ठीक है, इसमें नहीं ओके कंफ्यूजन। चलिए आगे चलते हैं, अब इसमें तो ये डाइपोल मोमेंट का यही तीन क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है, तीनों तो आना ही चाहिए कम से कम, जी बाकी और भी आना चाहिए, तीनों दिया हुआ है आपके, ठीक है, जी बाकी आ जाते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नहीं जी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो जनरल मेथड प्रिपरेशन में किससे कर सकते हैं प्रिपरेशन? सर अल्कोहल से कर सकती है जी फ्रिक्वेंटली, अमाउंट से नहीं सर अल्कोहल से कर सकते हैं, तो पहला यहाँ पे प्रिपरेशन है कह सकते हैं भाई अल्कोहल, अल्कोहल से बहुत सारा कर सकते हैं इसमें प्रूफ है बाई, कह सकते हैं मेनली मेनली यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक जी ट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ओ एच भी क्या है निगेटिव करेक्टर है और एक्स भी क्या है निगेटिव करेक्टर लिया है, जी तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए आर सी एच टू सी एच टू ओ एच मैंने ले लिया, जी ये प्राइमरी है और यहाँ पे एच एक्स रखते हैं तो ये रिएक्शन नहीं देगा, ओके क्योंकि प्राइमरी की रिएक्टिविटी कम, हमने पढ़ाया था आपको रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी कहीं कॉमन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी या जी स्टेबिलिटी सर ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड, जी ऐसे बताया था घर छोड़ के कौन भागेगा जो बीच में स्टेबल रह सकता है, जी जी सर इंटरमीडिएट कंपाउंड वो जल्दी से थोड़े से बात पे हाइपर रिएक्टिव हो जाएगा तो चला जाएगा, तो ये जी किसी के लिए भी है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए जो रिएक्टिविटी होगा ऊपर, मैंने जी आर सी एच टू ओ एच लिया, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे जी पॉजिटिव निगेटिव, ठीक, तो यहाँ आर सी एच टू बन रहा है, तो अगर देखा जाए ये 1 डिग्री कार्बो कैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन कार्बो कैटायन बन रहा है कि नहीं, जी सर 1 डिग्री कार्बो कैटायन बन रहा है, तो 1 डिग्री कार्बो कैटायन के तो स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती, काफी लेस होती है, ठीक जी है, तो अगर देखा जाए यहाँ पे अगर मैं ऐसा कर देता हूँ सी एच आर जी ओ एच दे देता हूँ, ठीक, तो अब देखा जाए यहाँ प्लस माइनस तो क्या बन जाएगा आर सी एच प्लस और आर, आर तो ये जी 2 डिग्री कार्बो कैटायन बन गया, जी ठीक है 2 डिग्री कार्बो कैटायन,
अगर देखा जाए आर सी एच, सी एच ने लगा के आर ओ एच लगा लेते हैं, तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा ना जी सर, बॉन्ड, तो यहाँ पे कौन सा डिग्री बन रहा है, थ्री सर डिग्री बन रहा है, थ्री जी डिग्री बन रहा है, तो थ्री जी डिग्री अगर देखा जाए, थ्री डिग्री कार्बो कैटायन मोर स्टेबल होगा कि नहीं, तो जी सर यहाँ पे रिएक्टिविटी जो आपके बुक में दिया है बेसिकली 3 डिग्री कार्बो कैटायन, 2 डिग्री कार्बो कैट एल्कोहल ओ जी एच, क्योंकि सब्सट्रेट तो एल्कोहल ले रहे हैं ना, तो जी सर ये 1 डिग्री ओ एच, तो ये रिएक्टिविटी आर्डर हो जाएगा। ओके ठीक, तो अगर इसमें देखा जाए और भी, जैसे मान लीजिए हमारे पास एलाइलिक हो जाए, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू जी और सी एच टू ओ एच, इसमें अगर बॉन्ड ब्रेक हो तो अब बताइए 3 डिग्री से ज्यादा रिएक्टिव होगा कम रिएक्टिव होगा, ये मैंने तो यहाँ पे डिग्री वाला लगा दिया, तो एलाइलिक मोर स्टेबल होता है कि लेस स्टेबल होता है? सर लेस लेस नहीं होगा। आपको मैंने कार्बो कैटायन पढ़ाया था स्टेबिलिटी ना, जी तो उसमें क्या है कि ये मोर होगा एक तरह से स्टेबिलिटी, जैसे अगर देखा जाए तो ये बेंजीन हो गया 3 डिग्री फिनाइल कह सकते हैं, जी इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है रेजोनेंस से। ठीक जी है, जी उसके बाद देखा जाए तो सी एच, इसकी स्टेबिलिटी कार्बो कैटायन का, तो इसमें कोई ओ एच लगा होगा तो ये जल्दी रिएक्टिव होगा। ठीक है, इतने जी मजबूत मजबूत हैं, और उसके बाद ये आ जाएगा, जी उसके सर बाद सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और सी एच टू एलाइलिक आ जाएगा। तो इतना एक्सप्लेनेशन अगर देखा जाए, ये ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आ रहा है रेजोनेंस। ओके थ्री और इसके बाद आपका आएगा कौन, 3 डिग्री जो मैंने अभी लिखा था, डिग्री जी सर ये उसके बाद 2 डिग्री आएगा, जी सर 1 उसके बाद 1 डिग्री आएगा, डिग्री जी उसके सर बाद देखा जाए तो एक ही कार्बन पे रहेगा वो, उसके बाद यहाँ विनाइलिक आ जाएगा सबसे लेस स्टेबल, जी सर ये तो ये अगर एल्कोहल है तो ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा विनाइलिक, तो ये ओके कहीं के लिए हो गया, आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए प्राइमरी जो है जी रिएक्शन ही नहीं दे रहा, तो इस रिएक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कैटालिसिस देना पड़ेगा या मारना पीट कर करा सकते हैं, नहीं हीट वगैरह दे के, ठीक जी जी सर है, तो जी यहाँ पे कैटालिसिस कौन होता है, तो अगर प्राइमरी देखा जाए आर सी एच टू ओ एच मैंने लिया, तो जी यहाँ पे एच सी एल कंसनट्रेट एच सी एल लेते हैं, जी एच सी एल एंड एनहाइड्रस जेड एन सी एल टू, जी और ये क्या होता है ल्यूकास रिएजेंट होता है, लुकास ल्यूकास रिएजेंट, रिएजेंट जी ये 2 जगह रहेगा, एक तो यहाँ पे आपका है, दूसरा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल का डिटेक्शन करने के लिए, तो जी ये ल्यूकास रिएजेंट है। ल्यूकास रिएजेंट क्या है, कंसनट्रेट एच सी एल एंड जी एनहाइड्रस एल जेड एन सी एल टू। ओके ठीक सर है, जी यहाँ पे जेड एन सी एल टू क्या क्या काम करता है, देखिए एक तो मतलब जेड एन सी एल टू का वर्क है, जी जी एन एन सी एल टू वर्क एज एक तो काम करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो भी वाटर बनेगा उसे अब्जॉर्ब कर देगा, ओके जी सर यानी कि डी हाइड्रेटिंग एजेंट, जी एजेंट की तरह से। जी जी सर ठीक है, दूसरा कह सकते हैं यहाँ आल्सो जनरेट एच आयन, एच आल्सो आयन जी सर आल्सो जनरेट एच आयन, ओके सर एच आयन कहाँ से, फ्रॉम एस सी एल, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर है एक तरह से, ओके दो काम यहाँ पे करेगा, जैसे मतलब कि कैसे जनरेट करेगा, एच सी एल जो कंसनट्रेट लिए हैं जेड एन सी एल टू से रिएक्शन करेगा,
क्योंकि ये लुईस एसिड की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि टी ऑर्बिटल खाली है इसका, तो जी ये क्या हो जाएगा, जेड एन सी एल थ्री हो जाएगा, एक सी एल को एनगल्फ कर लेगा निगेटिव, जी और प्लस क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ गया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर की तरह भी वर्क कर रहा है, तो दो काम ये करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए अब रिएक्शन हम लोग, क्योंकि और दूसरा तीसरा यहाँ कह सकते हैं एक तरह से हम लोग कैटालिस्ट बोलते हैं, जी कैटालिस्ट की तरह, कैटालिस्ट किसी भी चीज को बोल सकते हैं जब वो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है, जैसा था वैसा फिर प्रोडक्ट में बन जाए, तो उसे हम लोग कैटालिसिस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, कम कर देगा। कम तो कर इसका देगा। मैकेनिज्म थोड़ा सा मान लीजिए, इसमें मैकेनिज्म की बात आती है, कभी कभी छोटे छोटे पूछ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं आता है, कोई भी एक दो मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट है जो बुक में दिया है, लेकिन इतना बता दिए तो ये बता दे रहे हैं कि ये चैन जो ब्रेक हुआ किसके द्वारा, ये सी एल के द्वारा ब्रेक हुआ, जी और किसके द्वारा किया गया, जेड एन सी एल टू के द्वारा, तो ये एच क्या होगा, इस पे अटैच हो जाएगा, जी साहब आप जानती हैं, तो ये यहाँ पे आर सी एच टू ओ प्लस लग जाएगा और एच एस लग जाएगा, जी इतना आप बना सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो ये क्योंकि अनस्टेबल है, अनस्टेबल जी है, ठीक है, ये अनस्टेबल है, इजिली यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक जी है, स्टेबिलिटी लाने के लिए। अब यहीं पे है कि मतलब जितना भी वाटर बनेगा उसको भी क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर से ओ एच न बने, ओके जैसे मैंने देखिए यहाँ रिवर्सेबल साइन बनाया, जी ठीक है, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, अगर नहीं करता है तो मतलब फिर से ओ एच अटैच हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ओके सर हाँ, क्योंकि वो ओ एच निगेटिव ब्रेक हो जाएगा ना, तो जी। यहाँ पे आर सी एच टू पॉजिटिव, और एक क्या बन गया, कार्बो कैटायन, और कार्बो कैटायन कहीं पे बनता है, जी इंटरमीडियरी, यहाँ पे इंटरमीडियरी कंपाउंड बना, इंटरमीडिएट ओके सर कंपाउंड क्या बने, कार्बो कैटायन बना, और जी कहीं पे भी कार्बो कैटायन इंटरमीडियरी कम बनता है तो क्या हो सकता है, मेजर बनाने के लिए रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, जो हमने पढ़ा था, रीअरेंजमेंट ओके सर हो सकता रीअरेंजमेंट है। जी हाँ बोलिए। हाँ, सर कुछ नहीं वही रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट हो सकता है अगर रहेगा, यहाँ पे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि जी एक ही कार्बन है, ठीक है। जी अब यहाँ पे जो निगेटिव आया था एक्स या सी एल मैंने लिया है ना, शायद सी जी सर एल लिया है, तो सी एल निगेटिव वो अटैच हो जाएगा कहाँ पे, आर सी आर एच टू स्टेबल कार्बो कैटायन पे, ठीक टेबल कार्बोकैटायन है, हाँ, तो यहाँ से अटैच हो गया, ये बन गया, तो ये प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए ये प्रोडक्ट प्राइमरी उतना आसान नहीं बनाना, क्योंकि जी रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो हीट वगैरह भी दे देते हैं, तो ये रिएक्शन अगर देखा जाए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो व्हाइट टर्बिटी बनता है, और ये विद इन देखा जाए, अभी लिख दे रहे हैं वहाँ डिफरेंस, जैसे दूसरे चैप्टर का भी हो जाए, जी विद इन 30 मिनट में, लेकिन देखा जाए अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो जाए, दूसरा सेकेंडरी, तो जी बहुत जल्दी रिएक्शन कर देगा, कैसे, सेकेंडरी सर वाला इजिली रिएक्शन कर देगा, मान ओके लीजिए कोई भी सेकेंडरी ले लिए, सी एच थ्री सी एच टू जी और सी एच थ्री ओ एच, ये जल्दी से रिएक्शन दे देगा, यानी कि कंसनट्रेट एस सी एल लुकास रिएजेंट प्लस जेड एन सी एल टू, तो ओके क्या बन जाएगा सी एच थ्री, अभी यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं, अब यहाँ पे सी एल ओके और सी एच थ्री, अगर यही रिएक्शन ऐसा होता, यही सेम रिएक्शन है, ठीक है, जी तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, मिशन ये इतने ही कार्बन का मैं ले लेता हूँ, जी तो कितने कार्बन, फोर है ना, अभी ये ऐसा होता, फिर हम कंसंट्रेट एस सी एल एंड ए एनहाइड्रस है, ठीक है, जी एनहाइड्रस जेड एन सी एल टू, तब क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट यहाँ बनाना, आपको बोला
मेजर प्रोडक्ट। एक सेकेंड सर, एक मिनट सर। मेजर प्रोजेक्ट है सर। हेलो सर, मेजर प्रोडक्ट एज इन मेजर मीन्स जो लार्ज अमाउंट में बनेगा। देखिए यहाँ पे जैसे इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ पर बनेगा, ठीक जी। है, CH3CH और SCH3 और CH2, ये थ्री जी कार्बोकैटायन। तो हमने बताया था कि यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, वन वन टू जी हाइड्राइड शिफ्टिंग, हाइड्राइड है। जी जैसे ए हाइड्राइड इधर आ जाएगा, ए प्लस इधर हो जाएगा, तो ये टर्सरी बनने लायक है, ओके जी टर्सरी कार्बोकैटायन बन गया। अब ये टर्सरी पे एक सीएल अटैच हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, मेजर कंपाउंड बना, ओके सर समझ रहे हैं, जी ये मेजर प्रोडक्ट बना। तो रीअरेंजमेंट नहीं आता है तो सीख लीजिएगा, आपको जी मेजर कंपाउंड एक तो एक दो तो आएगा, ठीक है। ओके सर तो यहाँ पे OH अगर देखा जाए, प्राइमरी OH है, ठीक है, और 2 डिग्री OH है, आप रिएक्शन तो हम करा ही दे रहे हैं, 3 डिग्री OH है। तो यहाँ पे लुकास रिएजन, लुकास टेस्ट भी बोलते हैं, जी लुकास टेस्ट। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे टर्बिटी आता है, टर्बिटी जी प्राइमरी देखा जाए, अगर हीट वगैरह देते हैं 30 मिनट लेता है, ठीक है, ये 5 मिनट लेता है, ये कह सकते हैं इमीडिएट हो जाता ओके सर है, इमीडिएट हो जाता है। ये डिस्टिंग्यूश हो गया प्राइमरी सेकेंडरी, यहीं पे प्राइमरी सेकेंडरी डिस्टिंग्यूश केवल बता दे रहे हैं आपको। वेक्टर मेयर टेस्ट होता है, RBC हमने पढ़ाया था, जी RBC। तो यहाँ पे रेड कलर देगा प्राइमरी रेड, और ये B फॉर ब्लू कलर हो गया, जी और C फॉर कलरलेस, जी कलरलेस होगा, ठीक है। ओके तो यहाँ पे VRC कह सकती हो, वेक्टर मेयर टेस्ट है, वेक्टर मेयर मेयर टेस्ट टेस्ट ये है नहीं NCERT में, लेकिन आपको ऑप्शन वाला बनाएगा तो ऑप्शन में तो रहेगा ही, पहले था, ओके लेकिन किसी मॉड्यूल वगैरह लगाओगे कुछ रहेगा दिया रहता है। ओके सर सेकेंडरी का हो गया, टर्सरी देखा जाए, टर्सरी अगर हम OH लेते हैं तुरंत ही रिएक्शन, और टर्सरी OH में हम अगर ZnCl2 भी नहीं रखें, कंसंट्रेट जी HCl ही रख दें, तब जी भी ये रिएक्शन हो जाएगा, ओके क्योंकि हाईली रिएक्टिव है ना, जी सर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके अब ये तो हम लोग एक तरह से कर लिए, कौन सा एल्कोहल का मतलब एक तरह से डिटेक्शन भी था ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। ठीक है सर दूसरा प्रिपरेशन फ्री रेडिकल से भी बना सकती हैं, मतलब बाई हाइड्रोकार्बन बी वाला, जी बाई हाइड्रो कार्बन, कार्बन हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन, तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट कह सकते हैं पहला बाई फ्री रेडिकल, जी फ्री रेडिकल, फ्री ऐसे लिख लेते हैं, बाई एलकेन, एलकेन। और एलकेन में हमने बताया था आपको कि
जी एल्केन में मेनली फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है क्योंकि नॉन पोलर बॉन्ड होता है। अगर Cl2 है ऐसे रख दिए तो आपको लोगों नहीं रिएक्शन होगा, लेकिन अगर एडवर्स कंडीशन रखते हैं हेल्पर की मदद से एच न्यू रख देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, CH3ClHAN रिएक्शन हो जाएगा, CH2Cl2, फिर क्या हो जाएगा CH Cl3 3 जी सर CCl4, ये चेन रिएक्शन हो जाता है। जब हम इसको एक्सेस में रखते हैं क्लोराइड तो ये चेन रिएक्शन हो जाएगा, तो ये मिक्सचर आप कंपाउंड बनेगा तो हमारे लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं है, और ये ओके पूरा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव होता है, कहीं भी कैटालिसिस की जरूरत नहीं होता, सिर्फ कैटालिटिक होता है, ऑटो टर्मिनेशन होता है। जी लेकिन अगर आजकल क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया है कि अगर हमें मिथाइल क्लोराइड ज्यादा बनाना है तब क्या करेंगे, तब क्या करोगी कि जैसे CH4 हमने लिया, Cl2 लिया, ठीक है, एच न्यू लिया, ठीक है, एच न्यू नहीं रहेगा तो नहीं होगा, तो हम इसको एक्सेस कर दें, ठीक है, और Cl को लिमिटेड कर दें, ठीक, इधर वाले को, तब जी हम कह सर सकते हैं मेजरली ये बनेगा मेजर। ओके ऐसा नहीं कि यही केवल बनेगा, लार्ज अमाउंट में बनेगा, लार्ज अमाउंट मतलब मेजर होता है, ठीक है, तो ओके सर अगर कहीं पे आता है। दूसरा कह सकते हैं बाई ओके बाई एल्कीन से रिएक्शन हमेशा कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। लेकिन इजिली देखा है कौन सा रिएक्शन देता है, इजिली गिब्स जी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये पढ़ चुकी हो, जी ठीक है। अब इसमें फेमस है ये, क्योंकि यहाँ पे आपको लिख दिया है 11th वाले NCERT से पढ़ना है हाइड्रोकार्बन में, तो हम लोग यहाँ पे देखा जाए एडिशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये क्या है, एक तरह से अनसेचुरेटेड है, नहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है अनसेचुरेटेड, और ये सिंगल बॉन्ड में किसी तरह से हो जाए, जैसे मान लीजिए CH3 CH3 हो जाए, तो जी ये क्या हो गया, सेचुरेटेड हो गया ना। जी सर तो अगर देखा जाए यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2H हाइड्रोजन अटैच हुआ है, तो हाइड्रोजन का एडिशन होगा ना, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एडिशन। और इस प्रोसेस को ऐसे बोल सकते हैं हाइड्रोजिनेशन बोल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, जी ठीक सर है। लेकिन हमें हाइड्रोजनेशन यहाँ पे नहीं कराना है, क्योंकि हमें अल्काइल हैलाइड बनाना है, तो हमें ऐसा चाहिए कि एक्स लग जाए या मतलब ClBr वगैरह लग जाए, ठीक है। तो उस पे आते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको ऐसे वायरों पे रख दिया HX, तो आप देख रहे हो कि बॉन्ड ऐसे प्लस माइनस किसी साइड में ब्रेक हो जाए, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल कार्बन है, अनइक्वल क्यों कार्बन है नहीं, जी तो यहाँ से भी बॉन्ड प्लस माइनस ब्रेक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस पे माइनस लग जाएगा और माइनस पे प्लस लग गया, प्लस तो ये बन गया, तो ये भी एक एडिशन है, तो जी इसे हम लोग हाइड्रो हेलोजिनेशन बोल सकती हो, क्या बोलती, हाइड्रो हाइड्रो हैलोजिनेशन हेलोजिनेशन, जी क्योंकि हाइड्रोजन हेलोजन दोनों अटैच हो रहा, वोल्टेज हो रहा कि नहीं, तो जी सर इस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रो हेलोजिनेशन बोल सकते हैं। जैसे देखा जाए तो अब नेक्स्ट स्टेप में अगर एक कार्बन में बढ़ा देता हूँ जी CH डबल बॉन्ड CH2, तब हम यहाँ पे भी क्या लगा सकते हैं, HX लगा दें, तब अब देखिए बॉन्ड इधर से एक तो इधर ब्रेक हो सकता है, एक इधर ब्रेक हो सकता है, जी दो डिफरेंट साइड में ब्रेक हो सकता है, नहीं जी तो दो डिफरेंस है, तो आप यहाँ पे सवाल है किस बॉन्ड ब्रेक होने से मेजर कंपाउंड बनेगा, किसको ब्रेक होने से माइनर कंपाउंड बनेगा, तो हम दो यहाँ पे ले ले रहे हैं, तो जी दो तरह से हम लोग इसको स्टडी कर लेते हैं। तो अगर देखा जाओ यहाँ पे 2 वाला है जो बॉन्ड ब्रेक हुआ, और यहाँ पे 1 वाला, अगर 2 वाला ब्रेक हुआ है तो RCH, ठीक है, और इस पे क्या हो जा रहा है, नेगेटिव आ जा रहा है, और जी RCH2 पॉजिटिव आ रहा है, तो ये देखा जाए तो एक तरह से सही नहीं है, अपने ही इधर पॉजिटिव करेक्टर ज्यादा है, इधर जी नेगेटिव करेक्टर ज्यादा है,
तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड ब्रेक होता है ज्यादातर, जी नहीं जी तो? सर, लेकिन हम लोग कर ले रहे हैं माइनर कंपाउंड, एक तरह से कहें बनेगा, तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा क्या, आर सी एच टू, जी और सी एच टू क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा। दूसरे में देखा जाए तो आर सी एच, अब देखिए 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिल गया, नहीं 2 डिग्री जी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है, तो यहाँ पे आर सी एच और एक्स और सी एच थ्री। तो इसको देखिए एक्सप्लेन करने के लिए तो अब जीओसी के बेस पे हो जाता है, लेकिन इस ये मेजर कंपाउंड बना, ओके मेजर प्रोडक्ट कह सकते हैं, और ये मेजर प्रोडक्ट बना किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनी काफ के रूल के। तो मार्कोनी का मार्कोनी काफ रूल के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट कहलाता है। तो मार्कोनी काफ क्या होता है बता सकते हैं? सर, लाइक प्रोडक्ट क्या होता है मार्कोनी को? मार्कोनी काफ रूल, सर लाइक मार्कोनी को एंटी मार्कोनी को होता है ना सर, हाँ उसमें मेजर प्रोडक्ट मैंने ये जो एक तरह से बनाया है, ये मेजर क्यों बन रहा है, सेकेंडरी 2 डिग्री हैलाइड, क्योंकि ये मार्कोनी काफ रूल फॉलो कर रहा है। तो मार्कोनी काफ रूल फॉलो करने के लिए मैंने बताया था सर लाइक मोर पॉजिटिव जो पार्ट होता है वो कार्बन की ओर जाता है जिसमें मोर हाइड्रोजन होते हैं। अच्छा ठीक है, मार्कोनी काफ रूल। तो मार्कोनी काफ रूल के अगर देखा जाए तो मेजर कंपाउंड ही बनता है बेसिकली, ठीक जी है? मतलब इन्होंने मतलब एक तरह से जैसे अगर रूल की बात करा जाए, ठीक है, जी तो कह सकती हो व्हेन एन अनसिमेट्रिक रिएजेंट एडेड, ठीक जी है, मैं लिख दे रहा हूँ व्हेन, क्योंकि आपको रिटर्न में आता है जी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, एडेड जी टू एन अनसिमेट्रिकल एल्केन, जी कल एल्केन दे मोर पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, मतलब कि जो रिएजेंट का पॉजिटिव वाला पार्ट होगा, रिएजेंट लिखते हैं, एजेंट भी लिख सकते हैं, एजेंट जी गोज टू द कार्बन दैट हैज मोर हाइड्रोजन, जी सर हाइड्रोजन एटम, ये मतलब बेसिक स्टेटमेंट वाला मतलब रूल हो गया, ठीक है, इनके मतलब एक तरह से स्टेटमेंट है, ठीक है ये। हाँ जी तो अब ये स्टेटमेंट है, अब एंटी मार्कोनिक आफ में इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है? जी तो अगर देखा जाए तो हम जो पढ़ाए थे आपको थ्री यू कंडीशन थ्री यू रूल, मतलब ये मार्कोनिक आफ रूल के लिए भी है एंड एंटी मार्कोनिक आफ रूल के लिए, दोनों को अप्लाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, सर, मतलब थ्री यू रूल मैंने बताया था आपको जी याद होगा, थ्री यू, थ्री यू मीन्स मतलब एक कंडीशन है मार्कोनिक आफ और एंटी मार्कोनिक आफ तभी होगा, कंडीशन थ्री सर, कंडीशन बताया था मैंने, जैसे अभी स्टेटमेंट में मैंने लिख भी दिया हो, ठीक है, जी तो यहाँ पे मैंने ऐसे पढ़ाया था कि आपको एक अनसेचुरेटेड क्या होना चाहिए, सब्सट्रेट, जी सब्सट्रेट अनसिमेट्रिकल क्या होना सर, चाहिए, अनसेचुरेटेड, दूसरा अनसिमेट्रिकल सब्सट्रेट होना चाहिए, जैसे देखिए स्टेटमेंट लिखा लो अनसिमेट्रिकल है लेकिन, जी ठीक है, अनसिमेट्रिकल ट्रिकल सबस्ट्रेट होना चाहिए, अब एल्केन लिख दिए तो वो बिस्ली वो क्या होगा, अनसेचुरेटेड ही होगा क्योंकि जी डबल बॉन्ड होगा। उसके बाद तीसरा यू अनसिमेट्रिकल मेट्रिकल क्या होना चाहिए, रिएजेंट होना चाहिए। रिएजेंट देखिए हमने पहला वर्ड ये लिखा है कि
वेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, दो तरह से रिएजेंट होता है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। जैसे अनसिमेट्रिकल मतलब एच एक्स हो गया, ये पॉजिटिव निगेटिव हो गया, ठीक है, एच टू एस ओ फोर हो गया, एच टू ओ हो गया, बहुत सारे एच एक्स में बहुत हो जाएगा, एच सी एल, एच बी आर, ठीक जी है, और एच आई, इस तरह से। और सिमेट्रिकल रिएजेंट जैसे बी आर टू हो गया, सी एल टू हो गया, ये सब सिमेट्रिकल रिएजेंट है, ठीक है। जी तो ये मतलब कि मार्कोनी का रूल लगाने के लिए, अभी हमने ऊपर आपको एक रिएक्शन पढ़ाया था, तो वहां हमने मार्कोनी का की कोई बात ही नहीं की, जी क्योंकि ये देखिए सिमेट्रिक है, पूछा ही नहीं कि कुछ ऐसा रूल होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक कंपाउंड लिखा तो आपसे पूछा, क्योंकि यहाँ ये देखिए अनसिमेट्रिक है, अनसेचुरेटेड है जी और अनसिमेट्रिक रिएजेंट भी है, ठीक है, ओके जी सर तभी लगेगा। तो यहाँ पे मेजर कंपाउंड जो बोल रहा है कि हाइड्रोजन वहां अटैच होगा जहाँ पे मोर हाइड्रोजन होगा डबल बॉन्ड के पास, मतलब रिच गोज रिच भी। अब देखिए ये यहाँ पे अटैच हो रहा है ना, कि मतलब यहाँ पे, ठीक, तो आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे पैरेलल बता दे रहे हैं दोनों रूल, ठीक है, पैरेलल, क्योंकि ये पढ़ चुके हैं, रिवीजन है। तो एक हम लोग मार्कोनी का रूल है, ठीक है, एक एंटी मार्कोनी का रूल, जी ठीक। तो अगर देखा जाए दोनों में एक तरह से नेम है उल्टा, ठीक है, तो इसको हम लोग परा फोरऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, पेरोक्सिड इफेक्ट हाँ, या खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, ओके क्योंकि इसे खराश मतलब साइंटिस्ट ने दिया था, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ओके हाँ। तो इसमें देखा जाए अंतर क्या है, तो पहला तो ये दोनों हैं, बोथ कह सकते हैं, या ये भी 3U रूल फॉलो होगा, ये भी, इसमें कोई अंतर नहीं, 3U अभी जो मैंने बताया था, ठीक जी है। दूसरा कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी पेरोक्साइड की ऐसे नीड नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3U के साथ क्या होगा, एक एडवर्स कंडीशन भी होगा। एडवर्स कंडीशन ओके कंडीशन एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन हमने पढ़ाया था हेल्पर, HELPAR, तो यहाँ पे एडवर्स कंडीशन क्या होगा, क्योंकि परऑक्साइड है, परऑक्साइड, पेरोक्साइड ओके परऑक्साइड क्या होगा, ये फ्री रेडिकल जनरेटर होता है, फ्री रेडिकल जी सर प्रोड्यूस। तो अगर देखा जाए दूसरा प्रो जी दूसरा पॉइंट क्या है, कि जो मार्कोनी का रूल है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक फिलिक एडिशन रिएक्शन, ओके जी एडिशन रिएक्शन, ठीक। सर और ये एंटी मार्कोनी क्या है, एंटी मार्कोनी का रूल देखा जाए तो ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, रेडिकल एडिशन दोनों है, ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, ठीक, ओके हाँ। और यहाँ पे तो देखा जाए तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, हमेशा यहाँ पे प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्ट फॉर्म, जी ये हमेशा नॉन टर्मिनल बनेगा, नॉन नॉन टर्मिनल टर्मिनल, नॉन टर्मिनल हैलाइड बनेगा हमेशा, मतलब ओके 2 डिग्री, कभी 1 डिग्री नहीं बनेगा, मतलब कि जैसे हमने अभी आर सी एच एक्स लगाया और ए ओके सी एच थ्री, इस तरह का बनेगा। और इसमें देखा जाए तीसरा क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट हमेशा टर्मिनल बनेगा, टर्मिनल टर्मिनल ओके हैलाइड, मतलब डायरेक्ट बनाने के लिए आर सी एच टू, सी एच टू यही सेम अटैकिंग है, देखिए एक्स एक्स लग गया, एक्स ने लगाई यहाँ पे, बी आर लगाई, एक और यहाँ पे है बी आर, हमेशा बी आर ही बनेगा, ब्रोमाइड ही, कभी भी क्लोराइड फ्लोराइड ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा रिएजेंट जो होगा, रिएजेंट जी
ठीक है, यहाँ तो कोई भी रिएजेंट हो सकता है, चौथा कह सकते हैं रिएजेंट, रिएजेंट कोई भी हो सकता है, मतलब कि एच एक्स हो सकता है, और इसमें एच सी एल, एच बी आर, एच आई, ठीक है, और एच टू ओ, एच टू एस ओ फोर, इस तरह के बहुत सारे रिएजेंट हो सकते हैं, ठीक है, एक जनरल हो गया, यानी कि कह सकते हैं परऑक्साइड इफेक्ट एक स्पेसिफिक पार्ट है, और इसमें फोर्थ में रिएजेंट केवल क्या होगा, एच बी आर हो। अब सवाल है कि रिएजेंट एच बी आर ही क्यों होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए कि इजली क्या कर देता है, इजली गिव्स फ्री रेडिकल, क्योंकि हमें फ्री रेडिकल चाहिए, ठीक है। जी तो दूसरा देखा जाए इसी का आंसर होता है कि एच बी आर क्या है, एच बी आर लिक्विड स्टेट है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी इसमें प्रोड्यूस होता है, लिक्विड स्टेट। जी सर तो भी पुश करता है किसको, फ्री रेडिकल बनाने में। तीसरा कह सकते हैं इसमें जो रिएक्शन होगा स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब एक्सटर्नल एनर्जी की नीड नहीं होती है, यानी कि कह सकते हैं एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक ओके सर कोई मतलब हीट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये रीजन है इसका, एंटी मार्क होने का आपका, जी क्यों एच बी आर ही ले जाता है इसमें, लगभग लगभग ये डिफरेंस के रूप में मैंने बता दिया सारा, ठीक जी है। तो इसमें आप क्वेश्चन एक कर लीजिए, एक तो यही आता है कौन सा एंटी मार्कोनी का या मार्कोनी का रूल देगा, ठीक ओके है, उसमें हो जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच आर रख दिया, एच सी एल रख दिया, जी ठीक है, इस पे अब बताइए एच सी एल ये मार्कोनी का आप रूल देगा, नहीं देगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक हो गया ना, जी सिमेट्रिक हो गया तो ऐसे ही रिएक्शन देगा, न मार्कोनी काफ होगा न, मतलब यहाँ पे मार्कोनी काफ रूल भी नहीं है, ठीक है, जी इसमें सर मार्कोनी काफ रूल नहीं लगेगा और न एंटी मार्कोनी काफ रूल लगेगा, क्योंकि ये थ्री यू फॉलो नहीं कर रहा, मतलब जी थ्री रूल फॉलो नहीं हो रहा, थ्री यू रूल फॉलो होगा तभी होगा, ये डायरेक्ट ऐसे रिएक्शन होगा, किसी साइड में हम एच टू और किसी साइड में सी एच सी एल मतलब जोड़ सकते हैं, जी सर ऐसे इसमें भी हो सकता है, मान लीजिए सेम बी आर जोड़ दिए, जी इसमें भी हो सकता है, वही परऑक्साइड का भी कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जी जी सर तो आप लोग मतलब ये सतर्क रहना, जैसे कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे मान लीजिए ऊपर हमने आर सी एच टू और सी एच सी एच टू ले लिया, तो ये तो अनसिमेट्रिक हो गया ना। जी सर अब इसमें देखा जाए तो इस तरह से हम रख दे रहे हैं, आप प्रोडक्ट बनाइए, एक तो एच सी एल रख दिया, ठीक, एक एच सी एल फॉर ऑक्साइड, जी ठीक है, ऐसे दूसरा यहाँ पे एच बी आर रख दिया, ठीक, और दूसरा एच बी आर परऑक्साइड, मेजर प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा जी बनेगा, ठीक है, पहले जी में क्या बनेगा, सर 1 सेकेंड सर आर सी एच 3 CL CH पे आर सर आर CH पे CL विथ CH3 ये जी सर दूसरे में सर 1 सेकेंड पेरोक्साइड वाला
फाइनल प्रोडक्ट बता दे, हाँ तो सेम सेम ही होगा। यहाँ पे सेम ही होगा, क्योंकि जी यहाँ पे परऑक्साइड कुछ नहीं रोल प्ले कर सकता, ठीक जी है, क्योंकि HBr होता तो होता डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक जी है। ये दोनों बोथ हमारे पास मार्कोनी काफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, इनटी जी मार्कोनी काफ नहीं लगा, ठीक है। नेक्स्ट, सर, आर CH, CH3 और CH पे BR, RCH CH पे BR एंड CH3। ये ना, जी इसके बाद दूसरा सर 1 सेकेंड। सर आर CH2, CH2 BR। टर्मिनल बन गया, टर्मिनल हैलाइड, अगर 1 डिग्री हैलाइड बनाना है तो जी आपको परऑक्साइड रखना ही पड़ेगा, और HBr के साथ, ठीक जी सर है। तो ये तो आपका ये रिएक्शन हो गया, ठीक है। जी अब आगे आते हैं हम लोग, एल्कोहल में थोड़ा सा छूट गया था शायद, ठीक सर। है। चलिए इसको पहले कर लेते हैं। ऐसा भी बन सकता है थर्ड, मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, और इस पे BR2 ऐड कर दे, तो यह हम लोग हैलोजिनेशन बोलते हैं, ओके सर, हैलोजिनेशन, ठीक है, हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन में मतलब CH2 BR और CH2 BR लग जाता है। यहाँ पे देखा जाए सी है कि आपका हैलोजन एक्सचेंज मेथड, सर 1 सेकेंड। एक्सचेंज, सर बताइए। ये हैलोजन एक्सचेंज वाला टॉपिक 5 मिनट्स में हो जाएगा, क्योंकि मेरी 45 से एक और क्लास है सर। हाँ, हो जाएगा, बस ओके सर बहुत क्लोजली रखे हैं। जी सर, एक्चुअली 10 बजे था ना, तो मुझे लगा 1.5 आवर्स तो हो ही जाएंगे। सॉरी अरे मुझे लगा कि बता देना चाहिए था मैं काम करने लगा, मुझे भी 12 बजे पहुंचना है दूसरा क्लास। तो मैं सोचा कि आज जनरली 1-1.5 घंटे लेती है ना, तो जी इसलिए मैं भी सोचा, चलिए कोई नहीं, आगे कर लेंगे। जी हेलोजन एक्सचेंज, ठीक, जी इसमें फिंकरस्टीन रिएक्शन होता है। फिंकरस्टीन रिएक्शन, जैसे मान लीजिए RX ले लिया, ठीक है, जी सर और यहाँ पे KI NaI ऐड कर दिए जी सर एसीटोन के साथ, क्योंकि हमने रिएक्टिविटी अगर देखा है उधर NaI NaBr नहीं जी जी NaCl, इस तरह से NAF, इस तरह से हो सकता है, मतलब कि ये मोर रिएक्टिव है, यही रिप्लेस कर सकता है सारे को, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RI बन जाएगा प्लस जी NaX, सर तो यही हमारे पास क्या है, फिंकरस्टीन रिएक्शन है, फिंकरस्टीन ओके सर सिंपल सर रिएक्शन, या कोनेंट फिंकरस्टीन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक। ओके सर दूसरा इसमें देखा जाए तो आपको मिलेगा शॉर्ट रिएक्शन, ओके जैसे हैलोजन एक्सचेंज में एक तो आयोडाइड बन जाता है इजिली, दूसरा कह सकते हैं शॉर्ट रिएक्शन। ओके सर शॉर्ट रिएक्शन, तो शॉर्ट रिएक्शन में देखा जाए तो फ्लोराइड बनाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए RCl ले लिया, HG2F2, ओके AgF2, ठीक है, इस तरह से कोई भी HG2F2 भी ले सकते हैं, ठीक, ये तो लिख दिया, HGF2 भी कर सकती है। ओके ये क्या हो जाएगा, RF बन जाएगा, फ्लोराइड बनाना हो। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 Cl ले लिए, और यहाँ HGF2 ले लिए,
और यहाँ पे एसीटोन रख देते हैं, ओके okay. यहाँ पे भी रखते हैं, नहीं तो नहीं रखना है, नहीं रखिए कोई नहीं। तो CH3 CH2 और F बन जाएगा और प्लस HgCl2 निकल जाएगा। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 अमाउंट कर सकते हैं, तो सारा बैलेंस हो जाता है। तो हेलोजन एक्सचेंज है और इसे शॉर्ट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ओके तो ठीक है, तो आप कर लीजिए। हाँ, 45 पे है। जी।